जय हिंद। मैं कौपल एस के सोलंकी अपनी सरकार और आप सब लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आजकल बहुत सारे वीडियो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर वायरल हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में सेना प्रमुख ने बोला कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, सही नहीं है। जी सर, आपने सही बोला, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजों की पॉलिसी, आज 70 साल होने वाले हैं अब देश को आज़ाद हुए, जो अभी तक रनिंग कर रही हैं मिलिट्री में, क्या वो सही है जिसमें अधिकारी और जवानों के बीच इतना अंतर बना के रख दिया है? उनके टाइम पे अधिकारी सारे अंग्रेजों के हुआ करते थे और सिपाही हम भारतीय हुआ करते थे, जिन्हें वो एज अ नौकर यूज़ करते थे, वो अभी तक कंटिन्यू है। पहला जैसे मेरे तेज बहादुर भाई को ले लीजिए, उसने खाने को लेकर शिकायत की थी। सर, मैं तेजपुर में आर्मी के साथ पोस्टेड था। अगर आप वहाँ जाके अधिकारी मैस और जवानों को मैस देखेंगे, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। अधिकारियों को मैस ऐसा है जैसे 5 स्टार होटल, बाहर से एकदम महल और अंदर सुविधाएं एकदम 5-7 स्टार होटल की तरह, और बाहर 50-60 लोग केवल उसको तैयार करने में, उसको मेंटेन करने में लगे रहते हैं। वो और कोई नहीं, वो आपके जवान है जो लड़ने के लिए भर्ती हुए थे। वहीं आप जवानों का मैस अगर जाके देखेंगे तो आपको खुद खाना खाने में झिझक महसूस होगी। उसके बाद सर, मेरे दूसरे CRPF के जवान के ऊपर आ जाइए, जिसने पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ सुविधाओं के लिए बोला था, जैसे कैंटीन फैसिलिटी, पेंशन के लिए बोला था। सर बिल्कुल उनके लिए पेंशन होनी चाहिए, वो भी इतने ही देश के लिए समर्पित हैं जितने कि हम। कल के लिए भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली को एक वो पेंशन ही था जो ज़िंदगी भर सहारा देगी, जिससे वो खुद जिएगी अपनी और अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। अब सर हमारी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ पे आइए जिसमें इतना अंतर बना के गए थे अंग्रेजों, जो आज तक कंटिन्यू है, उसे क्यों अभी तक नहीं हटाया जा रहा है? उस डिस्पैरिटी को क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले ECHS फैसिलिटी, उनकी अलग हमारी अलग, हर जगह लाइन अलग, उनको हर जगह तवज्जो दी जाती है। कैंटीन में लाइन ले लीजिए, ऑफिसर्स अलग, हम सिपाही अलग। MH में लाइन ले लीजिए, अरे MH में तो बीमार आदमी जाता है, उसमें ऑफिसर्स अलग, हम लोग अलग। हम लोग लाइन में अफसर आ गया तो वो पहले चले जाएंगे, उनकी फैमिली पहले चली जाएगी, हम लोग खड़े रह जाएंगे, चाहे कौन ज़्यादा बीमार है कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आ जाइए सर कार्ड लिमिट पर कैंटीन के, हम लोगों को 4-4.5 हज़ार, उनको हमसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा। क्यों सर? पेमेंट उनकी ज़्यादा, कार्ड लिमिट हमारी कम। उस कैंटीन से तो कुछ फ़ायदा ही हुआ सर, हमारे 2 पैसे बची जाएंगे अगर हम 4.5 से ऊपर का भी कुछ सामान खरीदेंगे तो, फिर ऐसा क्यों? उसके बाद आ जाइए सर लिक्कर कोटा पे, हम लोगों को 4 बोतल, उन लोगों को हमसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बोतल, फिर भी पीते हम लोग ज़्यादा हैं। फिर आ जाइए सर कैंटीन से कार निकालने के लिए, जवान तब तक कार नहीं निकालेगा जब तक उसकी सर्विस 10 साल हो जाए। सर आज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, अगर जवान के माँ बाप को ज़रूरत है आज कार की, अगर उसकी सर्विस 10 साल नहीं हुई है, तो ये रूल क्यों बना रखा है? अगर वो कैंटीन से कार लेगा तो सर उसको फ़ायदा ही हो जाएगा, अदरवाइज वो बाहर चलेगा तो घाटा ही होगा ना सर, तो ये रूल क्यों? बल्कि अधिकारी जिस दिन भर्ती हुआ है उसी दिन से आराम से कार निकाल सकता है और चला सकता है, उसके बाद भी इतनी CC की लेंगे इतनी नहीं, वो उनके हिसाब से। ये क्या है सर, केवल एक प्रेस्टीज इशू? उसके बाद उसी कार से अगर मूवमेंट की बात आए, अगर TD जाना है सर, तो अधिकारी के पास अगर रिजर्वेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपनी कार से भी TD जा सकते हैं और उसका वो क्लेम कर सकते हैं। वहाँ वो लोग जाके होटल में स्टे कर सकते हैं, अगर रूम नहीं है तो उसका भी वो क्लेम कर सकते हैं। बात एक जवान की करें, अगर उसको एक कोने से दूसरे कोने भी जाना है देश के, अगर उसको रिजर्वेशन नहीं है, वेटिंग में है, तो वो टॉयलेट के पास सो के जाएगा, उसको जाना पड़ेगा, वो अपनी कार से अगर जाएगा भी तो अपना खर्चा करके। उसके बाद बात रुकने की आए तो, और उसके लिए रूम तो छोड़ दीजिए सर, अगर एक चारपाई भी उसको मेंटेन करनी है तो खुद जुगाड़ लगानी है उसको अपने मेंटेन करने के लिए, होटल में स्टे तो छोड़ दीजिए। सर ऐसा क्यों? हम लोग भी कंफर्ट चाहते हैं, हम लोग अगर वहाँ जाएंगे, अगर हम लोग होटल में रुकेंगे, उसका पैसा अगर सरकार देगी तो हम तो सरकारी काम से गए, अपने काम से तो नहीं गए वहाँ। लेकिन नहीं, उन लोगों को सब कुछ ऑथराइज है, हम लोगों को ऑथराइज नहीं है। उसके बाद राशन स्केल पर आ जाइए सर, हम लोग को 3-3.5 हज़ार रुपये मिलता है और आर्मी में मेरे साथियों को कुछ राशन मिलता है, तो उन लोगों को पूरा राशन मिलता है, हमें 3-3.5 हज़ार, इतने में सोचा दूध और पानी आ जाता है महीने का। अब आप बताइए ये अंतर है या नहीं? और उसी राशन की क्वालिटी अच्छा अच्छा पहले छांट के कर दिया जाता है। और फिर आइए सर पार्टीज में, हम लोगों को यूज़ किया है लॉजिस्टिक सामान, अगर आए यूनिफॉर्म, पिछले लास्ट 2 साल से जूते नहीं मिल रहे सर, और ऑफिसर्स की ड्रेसेस को मैंने स्टिच होकर एकदम उनके घर तक पहुँचते हुए देखा है, तो इतना स्मूथली उनके लिए काम होता है और हम लोगों के लिए नहीं, ऐसा क्यों सर? उनकी वाइफ्स को मैम मैम बोल के इतना अंतर पैदा कर दिया जाता है कि हमें शर्म आती है अपनी वाइफ्स को लेके जाने में। उसके बाद हाँ, अब बात करें पे स्केल की, तो सर वो डिज़र्व करते हैं, वो लोग एग्जाम, वो एग्ज़ाम फाइट करके आए जो हम लोग नहीं कर पाए, वो ए ग्रेड ऑफिसर से। बट वाट अबाउट MSP सर, मिलिट्री सर्विस पे तो सर गार्ड हम करते हैं सर अपनी पैराफेरी को, चारों पांचों तरफ से, हर तरफ से हमारे 10-20-50 जवान जो भी हैं अपनी जान हथेली भर के रात भर हम लोग जाके गार्ड करते हैं, बॉर्डर पर गश्त हम लोग देते हैं रात भर जग के। और मिलिट्री सर्विस पे उनका 15,000 प्लस और हमारा 6,000 एज पर 7th पे कमीशन, ऐसा क्यों सर? इसके लिए मैंने सर बहुत लेटर भी लिखे थे, मैंने, मेरे कई भाइयों ने, मैंने डिफेंस मिनिस्टर, PMG आपको और अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, सबको, लेकिन अनदेखा कर दिया गया या किसी ने हमारी ये बात उठाई नहीं। और ऐसे ही नहीं, और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिसमें इतना डिफरेंस पैदा करके रखा गया है।
सर बस एक ही गुहार है कि यूनिफॉर्म पर्सनल जिस काम के लिए आया है, जो वो पहले सोचता है कि मैं फौज में जाऊंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, उस गरिमा को बने रहने दें, इस यूनिफॉर्म की गरिमा को बने रहने दें सर। ये सारी डिस्पैरिटीज जो हैं उनको प्लीज़ हटाएं। जय हिंद सर एंड थैंक यू।